नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथे गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वःा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है अहंकार अपने ही विनाश का एक कारण, भाग 4। अकारण अहंकार करने वाले व्यक्ति तो एक प्रकार से अभागे ही होते हैं। वे अपनी उस अहेतुक विषयाग्नि में ओ ही जलते रहते हैं। कोई शक्ति नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, तब भी सिर पर दंभ का भार लिए फिरते हैं। बात बात में ऐठते रहते हैं, बात बात में जान बधारते हैं। जैसे निर्थक अहंकारी पग पग पर असहनीय और तिरस्कार पाते रहते हैं। अपनी सीमित परिधि में ही जिसे पिट कर नष्ट हो जाते हैं। न शांति पाज पाते और न संतोष योग्य कोई स्थिति। विस्तार व्यक्ति यो का अहंकार न केवल विकार ही होता है, बल्कि वह एक रोग भी होता है जो जीवन के विकास करना देकर बैठ जाता है। सारी प्रक्रियाओं का द्वार बंद हो जाता है। इसी प्रकार से निस्तार अहंकारी प्राय अपराधी बन जाया करते। प्रकृति तो उनकी अपने इस रोग के कारण नहीं होती है और दोष या समाज के मथे मड़ा करते हैं। बुद्धि भ्रम के कारण क्रोध करते हैं और संघर्ष उत्पन्न करने उसे फंसे जाते हैं। ऐसे अहंकार की कामनाएं बड़ी चरी होती है, उसकी पूर्ति की क्षमा होती नहीं। वही निदान अपराध पथ पर बढ़ जाया करते हैं। अकारण अहंकार करने वाला व्यक्ति अपनी जितनी ही जानी किया करता है, उतनी शायद एक पागल व्यक्ति भी नहीं करता। किंतु साधन संपन्न व्यक्ति भी अहंकार की आग में भस्म हुए बिना नहीं रहते। साधनहीन व्यक्ति अधिक अहंकार को प्रश्रय देता है तो उसकी हानि, उसकी भावी उन्नति की संभावना तक ही सीमित रहती है। पर साधन संपन्न व्यक्ति जब अहंकार को ग्रहण करता है, तब उसका भविष्य तो भयानक बनता है, वर्तमान भी ध्वस्त हो जाता है। इस दोष के कारण समाज का असहयोग होते ही सारे रास्ते बंद हो जाते। संपत्ति निष्कमी होकर पड़ी रहते, किसी काम नहीं आती। संपत्ति की सक्रियता भी तो समाज के सहयोग पर ही निर्भर रहती है। जब समाज का सहयोग ही उठ जाए तो संपत्ति क्या काम बना सकती है। जीवन में आया का मार्ग बंद होते है तो नियत आरंभ हो जाता है। ऐसा नियम है, निदान धीरे धीरे सारी संपत्ति निकल जाती है। इस प्रकार वर्षा का संचय किया हुआ अतीत का फल भी नष्ट हो जाता है। क्रमश जारी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य